मध्य विद्यालय और हाई स्कूल में कोई ऐसे गुरुवर जरूर रहे होंगे जो आपके दिल के काफी करीब रहे होंगे, जिन्होंने आपकी बुनियाद डाली होगी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट डाला होगा। क्योंकि कहा जाता है मॉर्निंग शोज द डे, होनहार वीरवान के कोच चिकने पर। अगर आज आपने बीपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है और एसडीएम पद पर सुशोभित हो पाए हैं, तो उनमें प्रारंभिक जो गुरु होते हैं उनकी जरूर कहीं ना कहीं से महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन गुरुओं का ख्याल इस वीडियो के माध्यम से। ज्ञान का एक छात्र जब इंटरमीडिएट करता है मैथ्स के साथ, उसके बाद पुनः घर आता है, एक अंतराल लेता है और इन अंतरालों में उनके अंदर एक बीज जन्म लेता है, एक सपना जन्म लेता है कि अब मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है और वह जाकर के डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाता है। तो उन अंतरालों में ऐसा क्या हुआ कि आपके अंदर सिविल सेवा जैसे प्रतिष्ठित सेवाओं में जाने का मन हो गया और दिल्ली विश्वविद्यालय से अब मुझे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए और पूरी तरीके से विज्ञान संकाय को छोड़ करके अब कला संकाय की तरफ मतलब आ गए। तो इसके पीछे कोई प्रसंग या एक रोचक तथ्य, कोई ऐसा कुछ दर्शकों के साथ जो आप बांटना चाहिए। गाँव का एक लड़का राजधानी में पढ़ने जाता है और नो डाउट कि सिविल सेवा की तैयारी के लिए दिल्ली एक बेस्ट ऑप्शंस के रूप में माना जाता है। जब आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में आर्थिक स्थिरता आ गई, उस समय आपने दिल्ली का रुख किया, तो वहाँ जाने के बाद एक नई जगह, एक गाँव का लड़का, क्या क्या संघर्षों का सामना करना पड़ा, फिर माध्यम भी एक बड़ी चुनौती होगी आपके समक्ष उस वक्त, फिर आपने माध्यम का चयन कैसे किया, क्या आपके दिल में पहले से ही बिहार लोक सेवा आयोग था या फिर संघ लोक सेवा आयोग? दिल्ली गए तो वहाँ पे दृष्टि संस्थान में आपने प्रवेश लिया, वहाँ विकास दिव्य कीर्ति सर से आपकी मुलाकात हुई होगी। इस वीडियो के माध्यम से विकास दिव्य कीर्ति सर को आपने करीब से देखा है और जब भी मैं भी बचपन में था तो उनकी किताबें पढ़ा करता था, फिर जब सोशल मीडिया का जमाना आया तो उनको करीब से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप एक ऐसे शख्स हैं जो विकास दिव्य कीर्ति सर से पढ़ करके आप मेरे सामने हैं और एसडीएम बन करके, तो नो डाउट एक गुरु की महत्ता शिष्य आज उजागर कर रहा है। विकास दिव्य कीर्ति सर के बारे में दो शब्द उनके शिष्य के बक्से। नो डाउट कि एक वीडियो एक कामयाब शख्स न जाने कितने लोगों को प्रेरित करता है। इस वीडियो से बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक बंधु भी होंगे जो प्रेरित हो रहे होंगे और आप में शायद खुद की छवि को देखते होंगे। तो जो लोग बिहार लोक सेवा आयोग की मतलब तैयारी करना चाहते हैं, वो भी प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, एक सिविल सर्विस जैसे प्रतिष्ठित सेवा में बनकर समाज की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और भाषा का कितना बड़ा रोल होता है इसमें? जैसे आपने हिंदी परीक्षार्थी इसमें बैठते जरूर है, सफलता का प्रतिशत बहुत कम होता है, ऐसे में असफलता व्यक्ति को अंदर तक तोड़ देती है, लेकिन कहते हैं कि जब कामयाबी का डंका बजता है तो बहुत सारे लोग जो पहले क्रिटिसाइज भी करते थे आपके शुभचिंतक बन जाते हैं, तो कामयाबी में शोर मचाने के लिए सभी आ जाते हैं, लेकिन वो क्षण जब आप टूटते थे उस समय पुनः अपने आप को कैसे जोड़ते थे, कैसे फिर अपने आप को मोटिवेट करते थे और लगातार कंटिन्यूअसली इस फील्ड में जुड़े हुए रहते थे कि मुझे कुछ करना है तो करना है, कैसे आखिर इतना मोटिवेशन आया? नमस्कार, मैं हूं सौरभ जायसवाल और अगली वीडियो श्रृंखला में आप सभी दर्शक बंधुओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो की इस कड़ी में एक प्रेरणादायी वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। पिछले दिनों बीपीएससी 67वीं परीक्षा परिणाम घोषित हुए और उनमें हमारे क्षेत्र, हमारे समाज कांचा से रैंक 45 लाकर बिहार प्रशासनिक सेवा में एसडीएम पद पर सुशोभित होकर प्रवीण कुमार ने अपने क्षेत्र, समाज व प्रदेश का नाम रोशन किया है। आज हमारे इस वीडियो में है प्रवीण कुमार और इनसे बात करते हैं और इनकी बारीकियां, इनकी बातें हम आप तक पहुंचाते हैं। प्रवीण जी, आपका हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। आप एसडीएम बने हैं और बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं परीक्षा को पास कर आपने एक मिसाल कायम की है हमारे समाज में। तो सबसे पहले हमारे दर्शक बंधु ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई हुई वो मतलब प्रारंभिक स्तर से किस तरीके से हुई? जी, ये सपना मेरा बचपन का था और मेरी प्रारंभिक पढ़ाई गांव में ही हुई है। मैंने मध्य विद्यालय कांचा से प्रारंभिक शिक्षा ली, उसके बाद मैंने उच्च विद्यालय बढ़ौना से 10th पास किया और उसके पश्चात विद्यापति कॉलेज विद्यापति नगर से मेरा 10+2 हुआ है और ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है और वहीं से मेरा ये सिलसिला सफर शुरू हुआ था। मध्य विद्यालय और
हाई स्कूल में कोई ऐसे गुरुवर जरूर रहे होंगे जो आपके दिल के काफी करीब रहे होंगे, जिन्होंने आपकी बुनियाद डाली होगी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट डाला होगा, क्योंकि कहा जाता है मॉर्निंग सोज द डे, होनहार वीरवान के हो चिकने पास। अगर आज आपने बीपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है और एसडीएम पद पर सुशोभित हो पाए हैं, तो उनमें प्रारंभिक जो गुरु होते हैं उनकी जरूर कहीं ना कहीं से महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन गुरुओं का ख्याल इस वीडियो के माध्यम से। जी, सबसे बड़ा योगदान, शुरुआती योगदान जो रहा है वो इस क्षेत्र के सभी छात्रों के लिए रहा है, वो विद्यानंद सर जी का रहा है। क्या बात। और उसके बाद हम लोग जब मध्य विद्यालय कांचा में आए तो सिकंदर कुमार सुमन जी, उनका बहुत आशीर्वाद मिला और उनके ही मार्गदर्शन में हम लोग पढ़ाई की तरफ काफी उत्सुक हुए और एक सिलसिला यहाँ से बंधा कि पढ़ करके हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और फिर हाई स्कूल में जब गए तो हाई स्कूल में वहाँ हमारे प्रधानाध्यापक प्रेम शंकर सर और नंदू बाबू, इन लोगों का जो मार्गदर्शन मिला उससे हम लोग काफी प्रेरित हुए और लगा कि भविष्य में अगर इस तरह से मेहनत किया जाए तो काफी अच्छा किया जा सकता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से आपने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, उसके बाद इंटर की परीक्षा। तो हमारे दर्शक बंधु जानना चाहेंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा, जब आपने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी तो उसमें कितने अंक आए, कैसे आपने वहां से बुनियादी मतलब परीक्षाओं का सफर तय किया, फिर इंटरमीडिएट किया, उसके बाद क्या मन में आया कि अब यहां से क्या करना है, फिर ग्रेजुएशन में, ये सब हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जी, मैट्रिक की परीक्षा में 86.4% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण हुआ था 2011 में। और उसके बाद मैं पटना गया। शुरुआती, जैसे कि साइंस से पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का लक्ष्य होता है कि हमें इंजीनियर बनना है, एक ऐसा समय था, उस समय दौर था ये, तो हम लोग गए पटना इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए, आईआईटी की तैयारी के लिए, और ट्वेल्थ भी साथ साथ हुआ। तो उसमें पहले प्रयास में मैं सफल नहीं हो पाया, फिर उसके बाद कुछ घरेलू जरूरतों के कारण मैं वापस आ गया 2013 में घर। और चूंकि यहाँ एक नया उद्यम मेरा शुरू हुआ था, बीएमसी बल्क मिल्क कूलिंग सेंटर, तो उसमें मैं लगा, लगभग 6 महीने मैं यहाँ काम किया और इसको संभाला। फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि अब संभल गया है, फिर पढ़ाई की तरफ वापस लौटा जाए, तो मेरी ये सोच बनी कि मुझे सिविल सेवा में जाना है। और इसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा था तो संयोग से मुझे लगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी और ट्वेल्थ में मेरा 72% मार्क्स था, तो उस आधार पर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल गया। और वहाँ मैंने इतिहास और राजनीति विज्ञान विषय के साथ स्नातक किया, और उसके बाद मैंने परास्नातक राजनीति विज्ञान में किया, लेकिन हिंदी साहित्य में रुचि के कारण मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य रहा। क्या बात है, विज्ञान का एक छात्र जब इंटरमीडिएट करता है मैथ्स के साथ, उसके बाद पुनः घर आता है, एक अंतराल लेता है, और इन अंतरालों में उनके अंदर एक बीज जन्म लेता है, एक सपना जन्म लेता है कि अब मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, और वह जाकर के डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाता है। तो उन अंतरालों में ऐसा क्या हुआ कि आपके अंदर सिविल सेवा जैसे प्रतिष्ठित सेवाओं में जाने का मन हो गया, और दिल्ली विश्वविद्यालय से अब मुझे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, और पूरी तरीके से विज्ञान संकाय को छोड़ करके आप कला संकाय की तरफ मतलब आ गए, तो इसके पीछे कोई प्रसंग या एक रोचक तथ्य, कोई ऐसा कुछ दर्शकों के साथ जो आप बांटना चाहेंगे? जी, इसमें सबसे बड़ी भूमिका पृष्ठभूमि की रही। ईमानदारी की बात यह है कि 2013 से पहले हमारी पृष्ठभूमि बहुत कमजोर थी, और चूंकि मेरे माता जी का ANM में उस समय नियुक्ति हुआ था तो उनको 11,000 प्रतिमाह मिलते थे, तो उससे मैं पटना तक तो वहन कर सकता था, लेकिन दिल्ली जाने के लिए उस समय हौसला नहीं था। लेकिन जब यहाँ एक नया उद्यम शुरू हुआ, उसमें मैं लगा और काफी सफलतापूर्वक उसको संचालित किया, तो मुझे लगा कि अब मैं दिल्ली में सर्वाइव कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अब कुछ बेटर किया जाए, और उस लक्ष्य में मुझे लगा कि चूंकि सिविल सेवा की तैयारी लंबे समय और धैर्य की मांग करती है, और इस धैर्य के लिए आपका एक बैकग्राउंड भी मजबूत होना, मुझे लगा उस समय कि ये जरूरी है। तो मैं अन्य परीक्षाओं को छोड़ करके और मैंने ये लक्ष्य बनाया कि मुझे अब सिविल सेवा की ही परीक्षा देनी है, और उसी में अपना भविष्य में देख रहा था, तो इसके लिए एक बैकग्राउंड मेरा अच्छा तैयार हुआ, और उसके दम पर मैं फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और वहां कंटिन्यू किया। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप दिल्ली गए तो गांव का एक लड़का राजधानी में पढ़ने जाता है, और नो डाउट कि सिविल सेवा की तैयारी के लिए दिल्ली एक बेस्ट ऑप्शंस के रूप में माना जाता है। जब आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में आर्थिक स्थिरता आ गई, उस समय आपने दिल्ली का रुख किया, तो वहां जाने के बाद एक नई जगह, एक गांव का लड़का, क्या क्या
संघर्षों का सामना करना पड़ा, फिर माध्यम भी एक बड़ी चुनौती होगी आपके समक्ष उस वक्त, फिर आपने माध्यम का चयन कैसे किया? क्या आपके दिल में पहले से ही बिहार लोक सेवा आयोग था या फिर संघ लोक सेवा आयोग? जी, मैं दिल्ली गया था संघ लोक सेवा आयोग के सपने को लेकर के, और मैं अभी भी उस सपने को जी रहा हूँ। लेकिन वहां जब दिल्ली में गया तो शुरुआत में कुछ दिक्कतें आई, और धीरे धीरे मैं उसमें संभलते गया। कुछ कठिनाइयां जरूर आई क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से सीधे ही आर्ट स्ट्रीम में गया था, तो शुरुआती कुछ दिक्कतें आई, लेकिन धीरे धीरे वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों का मार्गदर्शन मिला और वहाँ जो लेक्चरर थे वे अच्छे, मतलब वहाँ पर एक अच्छा माहौल भी मिला, दोस्तों का साथ मिला, और साथ साथ धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। फिर अंदर से ये कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, हम लोग भी इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, और इस कॉन्फिडेंस के बल पर और मेहनत के बल पर दिल्ली विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन करने के पश्चात तो वहाँ भी मैं अपने स्ट्रीम में टॉपर था। अच्छा। तो एक हौसला वहाँ से बंधा कि जब मैं गांव से निकल करके दिल्ली विश्वविद्यालय में, बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड के छात्र हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, उनके बीच में अगर मैं अच्छा कर सकता हूँ तो मैं सिविल सेवा के क्षेत्र में भी अच्छा कर सकता हूँ, और वहाँ से ये हौसला आगे बढ़ता रहा। फिर उसके बाद मैंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए कोचिंग ली दृष्टि आईएएस संस्थान में, और संघ लोक सेवा आयोग का मैंने पहला प्रयास 2019 में दिया था। उस समय मेरी पीटी नहीं हो पाई थी, प्रारंभिक परीक्षा में असफल हो गया था, और कुछ उसके बाद मेरी माता जी का भी 2019 में ही निधन हो गया, और उस दुख के कारण मुझे फिर परिवार में वापस लौटना पड़ा, तो फिर मैं राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ बढ़ा। बिल्कुल, जब आप दिल्ली गए तो वहाँ पे दृष्टि संस्थान में आपने प्रवेश लिया, वहाँ विकास दिव्य कीर्ति सर से आपकी मुलाकात हुई होगी। इस वीडियो के माध्यम से विकास दिव्य कीर्ति सर को आपने करीब से देखा है, और जब भी मैं भी बचपन में था तो उनकी किताबें पढ़ा करता था, फिर जब सोशल मीडिया का जमाना आया तो उनको करीब से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप एक ऐसे शख्स हैं जो विकास दिव्य कीर्ति सर से पढ़ करके आप मेरे सामने हैं और SDM बन करके, तो नो डाउट एक गुरु की महत्ता शिष्य आज उजागर कर रहा है। विकास दिव्य कीर्ति सर के बारे में दो शब्द उनके शिष्य के मुख से। एक शिष्य के रूप में मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे विकास दिव्य कीर्ति सर का मार्गदर्शन मिला, और हिंदी साहित्य में और एथिक्स पेपर में उनका मैं लेक्चर लिया, और विकास देवी कीर्ति सर का स्वभाव सौम्य स्वभाव है, और वो एक ज्ञान के भंडार हैं, क्योंकि उनका पढ़ाने का जो तरीका है वो आज भारत के सबसे प्रसिद्ध शिक्षकों में शामिल हैं, और उनका पढ़ाने का जो तरीका है उससे भी ज़्यादा उनका जिंदगी को देखने का जो नज़रिया है वो विद्यार्थी को बहुत कुछ सिखाता है। जिंदगी जीने का जो वो तरीका सिखाते हैं कि जिंदगी क्या है, क्या फलसफा है जिंदगी का, वो न सिर्फ तैयारी के लिए बल्कि एक बेहतर जिंदगी के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के लिए ये आपका क्या प्रयास था? ये मेरा तीसरा प्रयास था, इससे पहले 65वीं और 66वीं में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था। अच्छा। लेकिन मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो सका था। बिल्कुल, मतलब 65वीं और 66वीं में भी आप साक्षात्कार के दौर तक पहुंच चुके थे, मतलब पीटी और मेंस के लिए जो आपका सफर था वो बिल्कुल, मतलब एक अच्छा खासा अनुभव आपके पास हो चला था। आपके मुख्य परीक्षा में विषय क्या क्या थे? मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप में मेरा हिंदी भाषा और साहित्य था, और GS1 और GS2 सभी विद्यार्थी के लिए एक समान होते हैं, तो उसमें इतिहास, DI, IR, और फिर सेकेंड पेपर में राज व्यवस्था, भूगोल, अर्थव्यवस्था और साइंस और टेक्नोलॉजी। ये वीडियो दर्शकों तक पहुंच रही होगी, और नो डाउट कि एक वीडियो एक कामयाब शख्स न जाने कितने लोगों को प्रेरित करता है। इस वीडियो से बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक बंधु भी होंगे जो प्रेरित हो रहे होंगे और आप में शायद खुद की छवि को देखते होंगे। तो जो लोग बिहार लोक सेवा आयोग की मतलब तैयारी करना चाहते हैं, वो भी प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, एक सिविल सर्विस जैसे प्रतिष्ठित सेवा में बनकर समाज की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और भाषा का कितना बड़ा रोल होता है इसमें? जैसे आपने हिंदी साहित्य लिया, तो हिंदी साहित्य के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि किन किन टॉपिक से को आपने मतलब एक चुनिंदा टॉपिक्स के रूप में उनको रखा, किन किन टॉपिक से ज्यादा सवाल आते हैं, कैसे एक मतलब कहा जाता है सिविल सेवा की तैयारी के लिए कि आपको
टॉपिक चुनने की शक्ति आप में होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत कुछ है लेकिन चुनने की शक्ति होनी चाहिए। परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रख करके आप जिस तरीके से तैयारी करते हैं वो एक चीज होनी चाहिए। तो कुछ टेक्निकल चीज आपके मुख से दर्शकों तक पहुंचे, और खास के हिंदी साहित्य के संदर्भ में कौन कौन से टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण थे, आपने उनकी तैयारी कैसे की थी, थोड़ा इसके संदर्भ में बातचीत हो जाए। जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे ये सपना देख रहे हैं उनको अपने आप में अपने आप पर विश्वास करना होगा, और ईमानदारी से यदि मेहनत की जाती है तो सफलता अवश्य मिलती है। जिंदगी है, जिंदगी में जीत हार लगी रहती है, असफलताओं से घबराना नहीं है, असफलताएं और सफलताएं जीवन की साथी हैं। तो यदि आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, सही दिशा में सटीक रणनीति के साथ मेहनत करते हैं तो आप जरूर सफल होते हैं। जहां तक बात सिविल सेवा परीक्षा के तैयारी की है तो उसमें हम लोगों के गुरुजी थे, उन्होंने बताया था फॉर्मूला SBBNR, एस फॉर सिलेबस, बी फॉर बैक ईयर क्वेश्चन, फिर अगला बी फॉर बुक, फिर एन फॉर नोट्स और आर फॉर रिवीजन। तो आपका क्या सिलेबस है उसके हिसाब से आपको ये तय करना है कि उस सिलेबस से पिछले वर्षों में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन दोनों चीजों को देख करके एक आप रणनीति तैयार कर सकते हैं। फिर शुरू होता है कि हम कहाँ से पढ़ें, तो उसके लिए बुक्स जो स्टैंडर्ड बुक हैं उनको पढ़ा जाता है, और फिर उस बुक से जो जरूरी चीजें हैं उनको हम नोट्स के रूप में बनाते हैं और बार बार उन्हीं नोट्स का रिवीजन किया जाता है। और सिविल सेवा की परीक्षा में चूंकि मुख्य परीक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है और मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा होती है तो लेखन कौशल का बहुत बड़ा योगदान है, तो यहीं से भाषा का संदर्भ जुड़ा हुआ है। हम लोग हिंदी बैकग्राउंड के छात्र थे, इंग्लिश में भी ऐसा नहीं था कि समझने में या लिखने में बोलने में कोई दिक्कत थी, लेकिन जो फ्लुएंसी हिंदी में आती थी, जो लेखन क्षमता हिंदी में थी, वो इंग्लिश में वो फ्लुएंसी, वो धारा प्रवाह इंग्लिश लिखना, उसमें कुछ कमी थी। और इस कमी को देखते हुए हम लोगों ने मैंने ये डिसाइड किया कि मैं हिंदी माध्यम से ही तैयारी करूंगा। ठीक है, कुछ समय लगेगा और जो भी मेहनत करना पड़ेगा मैं करूंगा। और हिंदी माध्यम से तैयारी करने के दौरान मुझे लगा कि हिंदी साहित्य एक अच्छा विषय हो सकता है मेरे लिए, क्योंकि यदि आप साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य के साथ साथ आपका भाषा भी आपकी अच्छी होती है, आप शुद्ध लिखना और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना और फिर अच्छे शब्दों का चयन, इन चीजों में आपको महारत हासिल होती है और इन चीजों के बलबूते आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं, आप निबंध के विषय में अच्छा कर सकते हैं। तो इन सब नजरिए से मैंने हिंदी साहित्य को अपना वैकल्पिक विषय चुना था और हिंदी साहित्य में मेरी रुचि भी थी। और इसमें हिंदी साहित्य चुनने के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर का भी था, क्योंकि हम लोग जब दिल्ली गए थे तो सर का क्रेज था, हिंदी साहित्य का क्रेज था, और उसमें हम लोगों को लगता था कि विकास दिव्यकीर्ति सर से बस क्लास लेना है, और क्लास लेने के लिए वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो सब्जेक्ट ले लेना है, और इस तरह से हम लोग हिंदी साहित्य की तरफ गए। लेखन शैली को धारदार बनाने के लिए किस तरीके से प्रयास करते थे आप? लेखन शैली को बेहतर बनाने के लिए आप लिखना तभी आप अच्छा हो सकता है आपका जब आप पढ़ने की आदत डालें। तो मैं जो विद्यार्थी हैं उनसे मैं ये भी कहूंगा कि आप दिन में 1-2 घंटा निकाल करके आपका सिलेबस का जो चीज है वो तो आप पढ़ते ही हैं, उसके अलावा आप जनरल इंटरेस्ट की पुस्तकें पढ़ें। बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे कहानीकार हैं, साहित्यकार हैं, उनकी कृतियों को पढ़ें, क्योंकि आप जितना ज्यादा पढ़ने की आदत डालेंगे आपका शब्द चयन उतना अच्छा होगा, आपकी शैली उतनी सुधरेगी, क्योंकि आप पढ़ेंगे उसको डाइजेस्ट करेंगे फिर लिखेंगे। तो लिखने के लिए सबसे पहले अगर मुझे लगता है कि जरूरी है वो है पढ़ना, तो लेखन और फिर लिखने का प्रयास भी निरंतर करना जरूरी है। जो गलतियां हैं, भाषाई अशुद्धि है, वर्णात्मक अशुद्धि है, उसको दूर करते हुए बार बार देखते रहना है, और इस तरह से आप एक अच्छे भाषा के हकदार मालिक बन सकते हैं। जी जी, जब मुख्य परीक्षा जब देकर आए तो आपका एक्सपेक्टेशन कितने अंकों का था और कितने नंबर आए? चूंकि मैं इस परीक्षा में मुख्य परीक्षा में 2 बार पहले भी सफल हुआ था, तो मुझे इस बार का संतोष था कि पिछले 2 परीक्षा से बेहतर ये परीक्षा मेरा गया है। तो इस बार मैं सिलेक्शन के प्रति तो आसान्वित था कि इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इतना अच्छा रैंक मिल जाएगा इसकी मुझे मतलब इसके लिए मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि लिखित परीक्षा में आपको ये नहीं पता होता है कि आपको एक्चुअली कितना मार्क्स मिलेगा,
अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आप उसमें मिला सकते हैं कि इसमें मेरा सही है या गलत है, लेकिन लिखित परीक्षा में बहुत कुछ जो है सो वो कॉपी चेक करने पर भी डिपेंड करता है। तो लेकिन मैं ये इस बात से फुल्ली मैं कॉन्फिडेंट था कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इस पोस्ट पर होगा इसके लिए वो ईश्वर का। कोई एक ऐसा प्रश्न मुख्य परीक्षा में जिसका जवाब लिखकर आपको बहुत मजा आया और आपको लगा वाओ इसको तो मैं पढ़ के गया था और एकदम हूबहू वैसा ही आ गया है, जवाब लिख के तो मजा आ गया, कोई ऐसा प्रश्न जो इस समय आपके दिमाग में आ रहा हो? जी, इसमें एक प्रश्न आए थे इतिहास विषय से कि गांधी जी के गांधी बनने में क्या केवल परिस्थितियां उत्तरदायी थी, इसको आलोचनात्मक ढंग से आलोचनात्मक परीक्षण करना था कि गांधी जी को गांधी बनने में उनकी परिस्थितियां कहां तक उत्तरदायी थी, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यह क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका आंसर भी मैंने बहुत अच्छे ढंग से लिखा, क्योंकि एक जिंदगी का फलसफा है सर कि परिस्थितियां तो हैं, परिस्थितियों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन साथ ही साथ व्यक्तित्व का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। केवल परिस्थितियां ही गांधी जी को गांधी नहीं बनाई थी, बल्कि उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो समन्वयवादी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, वो हर वर्ग को, हर समूह को, महिलाओं को, पहली बार उन्होंने महिलाओं को घर की चार दीवारी से निकाल करके और स्वतंत्रता संग्राम में ला करके खड़ा किया था। तो उनका सोच था उस समय जब आजादी की लड़ाई में ये कहा जा रहा था कि हिंसा के दम पर या बलपूर्वक हमें अंग्रेजों को भगाना है, उस समय एक शख्स ऐसा आता है जो कहता है कि नहीं, हम अहिंसा के दम पर अंग्रेज को झुका सकते हैं, हम नैतिक बल के दम पर जो है सो उसके भौतिक शक्ति को झुका सकते हैं। तो वो उनका व्यक्तित्व ऐसा था जिसके कारण गांधी गांधी बने। तो ये क्वेश्चन लिख करके भी मुझे अच्छा लगा और गांधी जी को पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीपीएससी 67वीं परीक्षा में सफल प्रवीण कुमार के साथ, जिन्हें मिला है 45वां रैंक और अपने क्षेत्र व समाज के लिए ये एसडीएम पद पर अब सुशोभित हैं। बने रहिएगा वीडियो में, और भी दिलचस्प पहलू के बारे में अभी हम आपसे बातें शेयर करेंगे। प्रवीण जी, कई बार पढ़ने के दरमियान ऊर्जा टूटती होगी, फिर ऊर्जा बनती होगी, और नो डाउट सिविल सेवा की परीक्षा का जब आपने सोचा होगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो एक लंबा सफ़र, और इस दरमियान कई बार आप टूटते होंगे, फिर संभलते होंगे, असफलताएं भी आती होंगी फिर आपको, तो इन सब चीज़ों से अपने आप को प्रेरित करने के लिए आप क्या करते थे, और वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि लाखों परीक्षार्थी इसमें बैठते जरूर हैं, सफलता का प्रतिशत बहुत कम होता है, ऐसे में असफलता व्यक्ति को अंदर तक तोड़ देती है, लेकिन कहते हैं कि जब कामयाबी का डंका बजता है तो बहुत सारे लोग जो पहले क्रिटिसाइज भी करते थे आपके शुभचिंतक बन जाते हैं, तो कामयाबी में शोर मचाने के लिए सभी आ जाते हैं, लेकिन वो क्षण जब आप टूटते थे उस समय पुनः अपने आप को कैसे जोड़ते थे, कैसे फिर अपने आप को मोटिवेट करते थे और लगातार कंटिन्यूअसली इस फील्ड में जुड़े हुए रहते थे कि मुझे नहीं, मुझे कुछ करना है तो करना है, कैसे आखिर इतना मोटिवेशन आया? जी, सिविल सेवा की जो तैयारी होती है वो एक लंबी तैयारी है, ये एग्जाम का प्रोसेस ही लगभग एक साल चलता है, और जब साल भर बाद आप साल भर तैयारी करते हैं और उसके बाद जब आपका परिणाम आता है और उसमें नाम नहीं होता है पीडीएफ में, तो बहुत निराशा होती है, और तैयारी के दौरान भी बहुत बार ऐसा लगता है कि अब बहुत हुआ, अब छोड़ देते हैं, अब संभव नहीं है, तो ऐसा बहुत नेचुरल है, हर स्टूडेंट के साथ होता है। आज मैं सफल हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, मेरे साथ ऐसा हर दूसरे तीसरे चौथे दिन होता था, मतलब आपको ये हमेशा एहसास होता है कि पता नहीं क्या होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा भी कि नहीं हो पाऊंगा, क्या किस्मत में अच्छा लिखा है बुरा लिखा है। तो इन सब से जूझने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने सगे संबंधियों से, दोस्तों से जुड़े रहिए। पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आप जीवन से कट जाइए, पढ़ाई जीवन का एक हिस्सा है लेकिन जीवन नहीं है, जीवन बहुत बड़ा है, तो आपको साथ ही साथ अपने जीवन के लिए समय निकालना होगा। सिविल सेवा की तैयारी के लिए यदि आप 8 से 10 घंटे देते हैं वो पर्याप्त है, इसके अलावा जो आपके पास समय बचता है उसको आप अपनी हॉबी में लगाइए, कुछ ऐसी रुचियां विकसित करिए, कुछ मनोरंजन, स्वस्थ मनोरंजन के साधन को ढूंढिए। जैसे मैंने कहा कि मेरी एक रीडिंग हैबिट थी कि मैं जनरल रीडिंग, जनरल चॉइस की पुस्तकें पढ़ता था, इसके साथ साथ मैं अपने परिवार के लोगों से, समाज के लोगों से, दोस्तों से हमेशा ही मिलता जुलता था। मेरा ये बीपीएससी का जो भी अटेम्प्ट है, 2020 लॉकडाउन के बाद मैं घर पर आ गया था और वहाँ उसके बाद मैं लगातार घर पर ही रहा हूँ, और मैं अपने समाज के बीच में रहते हुए
इस तीनों अटेम्प्ट को दिया हूँ। तो मेरा ये अनुभव रहा है कि यदि आप अपने दोस्तों से जो भी परेशानियां हैं उसको शेयर करते हैं तो आपका मन हल्का होता है और आप टेंशन में रह करके अच्छा नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप यदि कोई मिरर है, यदि वो मिरर हिलता रहेगा तो उसमें स्पष्ट छवि नहीं आएगी। मोबाइल का कैमरा ही है, यदि वो हिलता रहेगा कैमरा तो स्पष्ट छवि नहीं आएगी। तो जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, तब तक आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको सटीक रूप से वो समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि उसको कैसे शांत किया जाए। हर व्यक्ति का अपना अपना स्ट्रेटजी होता है। मैं रात में पढ़ना प्रीफर करता था, चूंकि दिन में कुछ ना कुछ, चूंकि मैं घर पे रहता था तो कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ काम ये आते रहते थे। तो मैंने सोच लिया था कि मैं रात का टाइम फिक्स कर देता हूँ पढ़ने के लिए, उस समय कोई परेशानी नहीं होगी। मैं दिन में घर पे कुछ काम होता था वो भी करता था, मैं नियमित रूप से दोस्तों से मिलता था, उनसे बैठता था, बातें करता था। अब जैसे आज मैं सफल हूँ तो मैं अब एक और बात बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे दोस्त बनाने बहुत जरूरी हैं जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं, कुछ देर बैठ करके गप मार सकते हैं। क्योंकि गप मारना, हाँ, लंबे समय तक आप यदि गप ही मारते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ समय के लिए आपका हंसना, मुस्कुराना, आपका स्ट्रेस रिलीज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये तैयारी एक दो दिन या एक दो महीने की है नहीं, हो सकता है कि आप पूरे साल भर मेहनत करके पढ़ें और आपको, आपने बहुत मेहनत किया, आपकी बहुत महत्वाकांक्षा कि इस बार मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन हो सकता है उस मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम न मिले। तो आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कि ये जो जर्नी है उसको मैं एंजॉय करूं। सफलता तो आदमी एंजॉय करता ही है, लेकिन जब तक आप इस जर्नी को एंजॉय नहीं करेंगे, जब तक इस सफर को एंजॉय नहीं करेंगे, तब तक ये सफलता में कन्वर्ट नहीं होगा। जी, साक्षात्कार का दौर आया, जब आप साक्षात्कार देने के लिए पहुंचे तो वहाँ के कुछ दिलचस्प फैक्टर, कुछ ऐसी बातें जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे, कुछ ऐसे दिलचस्प पहलू जो साक्षात्कार के दौरान हुए। जी जी, जब मैं पहली बार साक्षात्कार देने के लिए गया था उस समय मैं बहुत डरा हुआ था। मैं इंट्रोवर्ट व्यक्ति हूँ, संकोची प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, मैं ज़्यादा खुल करके अपनी बात नहीं रख पाता था। और मैंने एक दो मॉक इंटरव्यू दिए थे, लेकिन जब मेरा पहला इंटरव्यू था उस समय मैं खुलकर नहीं बोल सका और ये मेरे व्यक्तित्व की एक कमी रही जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने इसमें सुधार किया, मैंने कोशिश किया कि मैं इस चीज़ पर काम करूं, और मेरे पास नॉलेज था, उस नॉलेज को मैं अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा था, तो उस पर मैंने काम किया। और इस बार इंटरव्यू का सबसे दिलचस्प ये रहा कि जब मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ तो जो चेयरमैन सर थे उन्होंने इसी बात से शुरू किया कि आप 2017 में ग्रेजुएशन किए और अभी 23 तक क्या कर रहे हैं। तो मैंने ईमानदारी से बताया कि सर मैं तैयारी के साथ साथ दूध समिति, गांव में सहकारी दूध समिति और दूध प्रशीतक केंद्र मेरे पिताजी चलाते हैं, उसमें मैं सहयोग करता हूं और मुझे कोई झिझक नहीं है ये कहने में कि मैं इस काम से बहुत जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि मेरे आर्थिक बैकग्राउंड का यही आधार है और मैं इससे जुड़ा रहा और इसी का परिणाम है कि मैं यहां तक पहुंच पाया। क्योंकि मुझे इस बात का हमेशा मैं कॉन्फिडेंट रहता था कि मैं कुछ बेहतर करूंगा, क्योंकि मेरे परिवार के जो भी लोग थे वो मुझे हर दृष्टि से इस ओर प्रेरित करते थे और पूरा पिताजी का बहुत योगदान रहा। पिताजी हमेशा जब मैं असफल होता था वो दुखी तो वो होते थे, लेकिन उसके बाद पिताजी ही हौसला बांधते थे कि नहीं, कोई नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार सही। तो इंटरव्यू के दौरान जब मुझे ये पूछा गया तो मैंने ईमानदारी से बताया कि दुग्ध व्यवसाय में जुड़ा हुआ और ये मेरे लिए एक अच्छा रहा ये फैक्टर, क्योंकि उसके बाद मुझे इस व्यवसाय से जुड़े हुए प्रश्न काफी पूछे गए और मुझे इस व्यवसाय के बारे में जानकारी थी तो मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। विद्यापति नगर प्रखंड समस्तीपुर जिला और उसमें अवस्थित ये छोटा सा क्षेत्र कांचा, जहाँ के ये लाल, जहाँ के ये बेटे प्रवीण कुमार जी पीपीएससी सरस्वती परीक्षा का परिणाम जब इनके हाथों में आया, रैंक था 45 और बन गए हैं अब एसडीएम। जाते जाते हमारे दर्शकों के साथ दो लाइन क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की ये दो पंक्ति जो कि बहुत प्रसिद्ध है, खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है यदि आप ठान लें, और एक फिल्मी डायलॉग भी है, यदि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं
तो सारी कायनात उसको मिलाने के लिए जुट जाती है। बिल्कुल, कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, तबीयत से जरा एक पत्थल तो उछालो यारो, कि खुदी को कर बुलंद इतना, हर कयामत से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये थे प्रवीण कुमार। दोस्तों, मैंने ये कामयाबी का जश्न और कामयाबी की वीडियो मैंने अब तक पहुंचाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो YouTube और Facebook पर हमें प्यार दीजिएगा, खुद भी देखिएगा, दूसरों को भी दिखाइएगा। और अब सौरभ जायसवाल को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार।